जय हिंद साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जय हिंद लिखना ना भूलें। आज हम बात करेंगे 2015 के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, आसान ट्रिक के साथ में। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, पीडीएफ फाइल ज्वाइन करना है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना है, तो आपको नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। अब की बार एसएससी को आर पार करना है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक शब्द है, बड़ा अक्षर दे रखा है, अक्षर में का प्रयोग करके बनाया जाता है। प्रश्न कह रहा है एक बड़ा सा अक्षर दे रखा है, इस बड़े से अक्षर के अंदर कौन सा शब्द बनेगा। देखिए आ रैन, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, तो तीनों ऑप्शन तो ये तो आपके कट गए। पीछे कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर आपका बी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा, क्या है, कौन सा शब्द बनेगा, क्या पूछा, बनेगा। देखिए दोस्तों, बनेगा प्रयोग नहीं किया जाए, शब्द बनेगा, ये शब्द है लेकिन प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। देखिए कैसे, आई सी, देखिए आई यस ई है, अब देखिए द, द है, टी आई के, टी आई के नहीं है दोस्तों, के है ही नहीं है, इसके अंदर के शब्द का प्रयोग किया हुआ नहीं है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए, पूरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखे है। एक तालाब को कुछ कमल के फूल से भरा, दोस्तों ये पूरा कमल का फूल से भरा हुआ, उसकी संख्या प्रतिदिन दुगुनी, एक दिन एक तो दूसरे दिन दो, तीसरे दिन चौथे दिन डबल होता जाएगा, क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। अब पूछा है ये तालाब 6 दिन में पूरा भरा जाता है, और तो दोस्तों आधा तालाब कितने दिन भरेगा, 5 दिन में। अगर मैं बताता आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों ये एक दिन के अंदर एक, फिर दो, फिर तीन, तो यहाँ पर मैंने 4, फिर मैंने बोला 8, तो ये 8, तो 3 दिन के अंदर तो आपका कितना हो गया, 3, और चौथे दिन क्या हो गया, 8वां, यानी 6 में से -1 करेंगे तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए सवाल दे रखा है, अगर एक शब्द दे रखा है, इसका बार कोड ये दे रखा है, आगे दे रखा है एस, देखिए एस का मतलब क्या होता है, एट द रेट, और इस एस का मतलब क्या है, एट द रेट, तो दोस्तों ये तो आपका कट ही गया, ये भी आपका कट गया। अब देखिए क्या है, उसके बाद ए का मतलब क्या है, स्टार, तो ए का मतलब ये भी कट गया, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखिए एक और प्रश्न है, असंगत पूछा गया है, अलग कौन सा है, क्या पूछा है, अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है, बताइए, इनमें से अलग आपका गेहूं है, क्या है, गेहूं। देखिए दोस्तों ये सभी नगदी फसल है, कौन सी फसल, नगदी फसल, कौन सी फसल है, नगदी फसल है, जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, रामू 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये रामू है, यहां से 15 किलोमीटर कितना चला, उत्तर की ओर चला, तथा फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर, पूरब की ओर 8 चला,
अब आगे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। फिर वह इसका वाया नीचे कितना चला, 10 चला। कितना चला, 10 चला। क्या पूछा गया, कार्यालय पहुंच गया, यहां पर इनका कार्यालय है। शुरू के बिंदु से उसका कार्यालय इस बिंदु से इसका कार्यालय कौन सी दिशा, पूरब दिशा। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, पीछे उत्तर बचा। अब देखिए तीन कैसे आई, देखिए ये लंबाई कितनी है, 8, और ये देखिए ये लंबाई कितनी है, 5, ये 5, 10, ये 15 हो गई। सॉरी, अब ये जो लंबाई है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 3 किलोमीटर। कितनी होगी, 3 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, तो स्वस्थ किससे रहेंगे, स्वस्थ हम किससे रहेंगे, व्यायाम से। क्या करेंगे हम, व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम करेंगे तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आठ बारह अठारह और सत्ताईस बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या है। 8, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का, 6 का। इन दोनों में अंतर कितने का, 9 का। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों में अंतर कितने का, 3 का। आगे कितना, 4, तो 9 + 4 कितने हो रहे, 9 + 4 कितने हो रहे, 13। और 13 और 27 कितने हो रहे दोस्तों, कितना हो रहा है, 40। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है, 40। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। अच्छे प्रश्न, वीडियो को लाइक करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है ना तो मुझे दोस्तों ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके 9461041363 के ऊपर आप मुझे कमेंट्स जरूर करेंगे। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। एक व्यक्ति 60 फीट खंबे पर चढ़ता, दोस्तों ये सबसे खंबा है, कहता क्या है, एक मिनट में छ लेकिन 4 फिसल जाता, तो 4, तो एक मिनट में चढ़ेगा कितना, 2 चढ़ेगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आए, कुल लंबाई कितनी है, 60 फीट है, 60 में से 6 लेस करेंगे तो 60 में से 6 गए कितने बचे, 54 बचे। 54, ये 54 है, 54 की वास्तविक लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 54/2 कितने हो गए, 27 + 1 कितने हो गए, 28। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, 28 आपका राइट आंसर, 28वें मिनट में ये यहां पर पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 पर पहुंची, जो 30 मिनट समय से पूर्व था। तो दोस्तों 8:30 और अंजलि से 15 मिनट, तो दोस्तों 8:15। यस, यही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूछा गया, कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या है, 8:15। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल में 8:30 पर पहुंची, जो 15 मिनट समय से पूर्व, अब अंजलि, अब देखिए अंजलि अभिषेक से जो 40 मिनट देर से पहुंचा, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का, देखिए मांसाहारी शराब, देखिए
मांस का मतलब है मांसाहारी, मांस खाने वाले को क्या कहते हैं मांसाहारी, शराब पीने वाले को क्या कहते हैं मदत्यागी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को पहचानिए और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से असंगत अंक ज्ञात करना आपको, गलत क्या है। देखिए ये 12 का स्कोर है, ये 13 का स्कोर है, ये 16 का स्कोर है, लेकिन 288 किसी का स्कोर नहीं है, 288 किसी का स्कोर नहीं है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए एक आपके सामने एक श्रृंखला पूछी, क्या पूछी दोस्तों श्रृंखला, इस श्रृंखला का उत्तर बताइए जल्दी से। श्रृंखला, श्रृंखला क्या कह रही है, देखिए पांच वक्ता है, कितने वक्ते, पांच वक्ते हैं जिनके बोलने का क्रम पूछा गया आपसे। देखिए आर न तो पहले और न ही अंतिम वक्ता, 1 2 3 4 5 पांच वक्ते हो गए, आर तो न या आएगा और न ही यहाँ आर आएगा। अब देखिए एस के ठीक बाद तीन वक्ता है, एस के ठीक बाद, तो दोस्तों अगर मैं एस को यहाँ पर रखता हूँ, एस के ठीक बाद 1 2 3 यस, अब देख और टी के तीन पहले, तो टी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 और 3। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आर यहाँ नहीं आएगा तो आर आपका यहाँ आ जाएगा। अब सवाल देखिए क्यू के, देखिए पी क्यू के बाद, पी है जो क्यू के बाद बोलता है, प्रश्न का राइट आंसर हो गया। सबसे अंत में कौन है दोस्तों, सबसे अंत में कौन सा होगा, पी होगा, कौन सा होगा सबसे अंत में, पी होगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव देते रहिए, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।